एनसीपी है एनसीपी एनसीपी का पूरा नाम क्या है मालूम है? नेचुरली करप्ट पार्टी। ये एनसीपी की घड़ी टिक टिक भी नहीं करती है, सब कुछ चुपचाप करती है। ये शरद राव कह रहे हैं कि सीमा पर तनाव है और मोदी महाराष्ट्र में आए हैं। बारामती के नागरिक, बारामती के किसान दूसरी गुलामी में फंस गए। क्रिकेट के सदन में तो आए दिन बयान देने के लिए उनको फुर्सत है, लेकिन मरते हुए किसान के लिए चिंता करने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। उसे यहां चाचा भतीजे से आजादी चाहिए। मुझे अच्छे लगने लगे। महीने में दो तीन बार मेरी और शरद राव की बात न हुई हो ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा। मुझे सामने जाकर के शरद राव को पूछना चाहिए कि शरद राव जी आपको क्या लगता है, आपका अनुभव है, इसका रास्ता कैसे है? शरद राव जी बता रहे थे कि मैंने उनको गुजरात बुलाया था, उन्होंने तो ये मेरा अभिनंदन किया कि मोदी जी ने सब दिखाने के लिए बुलाया था। हकीकत तो वो दिखा करके मैं उनसे जानना चाहता था कि अभी कुछ कमी रह गई तो मुझे बताइए, मैं ठीक करना चाहता, मैं सीखना चाहता। सोची समझी ये मुलाकात हैरानी इस बात पर थी कि मोदी के साथ मंच पर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी मौजूद थे, जिनके खिलाफ सिंचाई घोटाले में गंभीर आरोप हैं। मीडिया के मित्रों के लिए आज का दिवस विशेष है, वो खोजेंगे कि मोदी पहले क्या बोले थे आज क्या बोले। हमारे देश में दो भिन्न दल के नेताओं का मिलना भी पता नहीं क्यों एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है।